कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में स्कूल और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। ऐसे में कोरोना काल में निजी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो वही सरकारी स्कूल के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना नामुमकिन हो गया था, लेकिन इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन किया है शिक्षा विभाग ने। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से स्कूल बंद पड़े हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इसमें निजी स्कूल संचालक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी ऑनलाइन कक्षा लेकर अपने सिलेबस को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें सरकारी स्कूल के शिक्षक कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ई कक्षा का सारा कंटेंट्स गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट टीचर्स बहुत पैशनेटली इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने हर लूप होल पर काम किया। लूप होल का मतलब है कि साहब, डिजिटल एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप बोर्ड पर लिखते हैं और आई कॉन्टैक्ट टूट जाता है। सरकारी टीचर्स और हमने एक नया सिस्टम ईजाद किया। हम पहले नोट्स बनाते हैं, उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर टीचर उसे पढ़ाना शुरू करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि टीचर अपनी बात को ढंग से एक्सप्लेन भी कर रहा होता है और वो जो चीज़ें एक्सप्लेन करने के अलावा चाहिए या किताबी फॉर्म में चाहिए, वो उसके पीछे स्लाइड फॉर्म में लिखी होती है बच्चे के लिए। तो किसी भी समय पे बच्चा उस वीडियो को पॉज करके उन अपने नोट्स बना सकता है। संसाधनों के अभाव में हर सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाना नामुमकिन है। ऐसे में विभाग इन दिनों मिशन ज्ञान के सहयोग से सरकारी स्कूल के शिक्षकों द्वारा ई कंटेंट तैयार करवाने में जुटा है। इसे तैयार करने के लिए शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के मुकाबले 2 गुनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसमें पहले शिक्षक सिलेबस के नोट्स तैयार करते हैं, उसके बाद मिशन ज्ञान की टीम उसे डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करती है और उसके बाद शिक्षक का स्टूडियो में पढ़ाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। यह वीडियो शिक्षा विभाग के ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, जिससे सरकारी और निजी स्कूल के सभी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनिवास में कार्यरत हूं और 20 अगस्त से यहां पर ई कक्षा से जुड़ा हूं। और यहां पर जिस प्रकार मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, तो बच्चे को जो जिज्ञासा होनी चाहिए प्रश्नों को लेकर के या टॉपिक को लेकर के, उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ई कक्षा बच्चों के लिए ही नहीं है, शिक्षक भी इससे पहली बार रूबरू हो रहे हैं। मिशन ज्ञान पहले सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग देता है। इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाना एक चुनौती रहा, जो अब आसान हो गया है। इसमें राज्य सरकार जल्द ही लाइव कक्षाएं भी शुरू करेंगी। कोरोना को देखते हुए जो राजस्थान सरकार का प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें अध्यापकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे सामने नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और ये इस चैलेंज के लिए मतलब इसके सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पहले यहाँ पर हम बहुत कंटेंट को तैयार करते हैं, उसे एडिट करवाते हैं, उसके बाद में हमारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, फिर हम मैटर को चेक करते हैं, उसके बाद में वो आगे चैनल के थ्रू बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और यहाँ तक कि हम खुद, क्योंकि ये एक अभी तक वन वे कम्युनिकेशन है, हम खुद ही एज्यूम करते हैं कि बच्चा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सोच सकता है, क्योंकि हमारे पास इस बात का एक्सपीरियंस है, हमने क्लासे टीच की है, तो हमें पता है कंटेंट में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कोरोना महामारी में हर तरफ नई नई तकनीक उपयोगी हो रही है। शिक्षा विभाग ने भी कई नवाचार किए हैं, जिसमें एक ई कक्षा भी है, जिसका लाभ न केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स को मिलेगा बल्कि NCERT के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी ई कक्षा के लिए संसाधन नहीं है, उन्हें पढ़ाना एक चुनौती है। A1 TV के लिए सहयोगी जश माथुर के साथ लोकेश ओला की रिपोर्ट।